2024 में भी मोदी योगी का जलवा बरकरार। आ गया लोकसभा चुनाव का ताजा सर्वे, किसकी बनेगी सरकार। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश में माहौल चरम पर है। अब क्या कहती है भारत की जनता, इस बार किसकी बनने जा रही है सरकार। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे या फिर इंडिया अलायंस के कोई नेता यानी कि राहुल गांधी या कोई और सीएम के तौर पर चुना जाएगा। आइए बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट आती है, 29 में से 25 पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, बाकी अदर पार्टियों के ऊपर 0 सीट पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड में एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। बाकी हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, 4 लोकसभा सीट आती है, 4 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 4 सीटें इंडिया गठबंधन को यानी कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को, यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 34 लोकसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी 2024 में अब तक 34 सीटों में से 30 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। बाकी इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बात कर ली जाए सिक्किम राज्य की, सिक्किम में सीटें आती है एक लोकसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में यानी कि नरेंद्र मोदी के खाते में एक सीट जा सकती है, इंडिया अलायंस के खाते में एक सीट जा सकती है, बाकी अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। गोवा राज्य की, गोवा में 2 लोकसभा सीट आती है, 2 में से एनडीए खाते में दोनों की दोनों लोकसभा सीटें यानी कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर दोनों की दोनों सीटों पर कब्जा मिल सकता है, यानी कि दोनों ही सीटों पर क्लीन स्वीप कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। बाकी इंडिए अलायंस के खाते में यहाँ पर 0 सीट पर सिमटते नजर आ रहे हैं, बाकी अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट मिल सकती है। आइए जानते हैं अगले राज्यों के बारे में। इससे पहले बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 38 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 34 सीटों पर एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर मात्र 4 सीटों पर सिमटना पड़ सकता है, बाकी अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। आइए बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में 7 सीटें हैं और 7 ही लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर बताया जा रहा है और यहाँ पर काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर दिल्ली की सातों लोकसभा सीटें एक तरफा जीत हासिल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गुट यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को यहाँ पर सभी 7 की 7 सीटों पर क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही है। बाकी बात कर लेते हैं इंडिया अलायंस के खाते में 0, अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की 6 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, 6 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 4, इंडी अलायंस खाते में 2 सीट जा सकती है, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। केरल की, जी हाँ दोस्तों, केरल में 20 लोकसभा सीट आती है। जी हाँ दोस्तों, केरल की 20 में से यहाँ पर एनडीए को 2 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, इंडिया अलायंस को यहाँ पर 17 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। बाकी बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से 71 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, 71 लोकसभा सीटों में से 47 यानी कि 47 सीट पर एनडीए के नरेंद्र मोदी यहां पर अच्छी खासी लीड मार रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी 23 सीटों पर अच्छी खासी लीड मार रहे हैं, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई नजर आ रही है। आइए बात कर लेते हैं तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर सभी 17 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिए आज से देखा जाए तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 17 में से 10 पर एनडीए इंडिया अलायंस को यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 7 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई दिखाई दे रही है। पौंडीचेरी की, जी हाँ दोस्तों, पौंडीचेरी में 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस के खाते में
जीरो अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट है, 11 में से एनडीए खाते में 10 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी को 10 सीटें, राहुल गांधी को 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट शामिल हो सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 100 यानी कि 100 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 68 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 24 सीट यानी कि 24 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी खाते में 8 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं प्रबल बताई जा रही है। गुजरात राज्य की, जी हां दोस्तों, गुजरात राज्य में 26 लोकसभा सीट आती है और यहां पर सभी 26 की 26 लोकसभा सीट पर एक तरफा जीत हासिल कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से बता देते हैं, गुजरात राज्य की 26 की 26 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी यहां पर अच्छी खासी लीड मार रहे हैं। पंजाब की, जी हां दोस्तों, खासी लीड के साथ आम आदमी पार्टी, वहीं कांग्रेस को यहां पर अच्छी खासी लीड मिलती हुई नजर आ रही है। बाकी बात कर लेते हैं मेघालय की, मेघालय की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से एनडीए खाते में दोनों की दोनों सीटें यानी कि नरेंद्र मोदी को दोनों की दोनों सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। इंडिया अलायंस खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 141 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहां पर एनडीए खाते में 98 सीटें, इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी को यहां पर 35 सीटें, अदर पार्टी खाते में 8 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा सताई जा रही है। कर्नाटक राज्य की, जी हां दोस्तों, कर्नाटक राज्य में 28 लोकसभा सीट आती है, 28 में से 21 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 5 सीटें, अदर पार्टी को यहां पर 2 लोकसभा सीट नसीब होती हुई दिखाई दे रही है। आइए बात कर लेते हैं ओडिशा राज्य की। जी हां दोस्तों, ओडिशा राज्य में आती है 21 लोकसभा सीटें, 21 में से 10 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 2 सीट, अदर पार्टी यानी कि बीजेपी को 9 सीट मिल सकती है। यहां पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 10 सीटें मिलती नजर आ रही है। आइए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट आती है, 42 में से 21 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 21 सीटें यानी कि दोनों ही गठबंधनों को यहां पर 21-21 सीटें मिल सकती है, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बतौर जताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 232 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल की नियाज से देखा जाए तो यहां पर नरेंद्र मोदी यानी कि एनडी अलायंस को यहां पर मिल सकती है 150 सीटें और 63 सीटों के साथ इंडिया अलायंस, अदर पार्टी खाते में 19 सीटें जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। आइए बात कर लेते हैं अगले राज्यों के बारे में। दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट पर एनडीए। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है, 5 में से एनडीए खाते में सभी 5 की 5 सीट पर क्लीन स्वीप करता नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों ही लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी का कब्जा हो सकता है यानी कि एनडीए अलायंस खाते में और इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 240 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहां पर एनडीए खाते में 158 सीटें, 63 सीटों के साथ इंडिया अलायंस, अदर पार्टी खाते में 19 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। मिजोरम की, मिजोरम में 1 लोकसभा सीट आती है, 1 में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को 1 सीट। झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीट है, 14 में से यहां पर 13 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की, जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा सीटें हैं और यहां पर 80 लोकसभा सीट में से एनडीए खाते में 17 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 10 सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 335 लोकसभा सीट का आपको ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं यानी कि आधी से ज्यादा सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एनडीए खाते में 242 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 74 सीटें, अदर पार्टी खाते में 19 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। आइए बात कर लेते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर एनडीए। इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट है, 39 में से एनडीए खाते में 17, इंडिया अलायंस खाते में 21, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। बिहार की 40 लोकसभा सीट है, 40 में से 30 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 10 सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की
संभावनाएं दिखाई दे रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 415 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं और एनडीए खाते में 290 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 105 सीटें, अदर पार्टी खाते में 20 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आइए बात कर लेते हैं, हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 में से एनडीए खाते में 8, इंडिया अलायंस खाते में 2 सीट, अदर पार्टी खाते में 2 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। दादरा एंड नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीट है, 48 में से 45 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 3 सीट, अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 474 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए खाते में 344 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 110 सीटें, अदर पार्टी खाते में 20 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। आइए बात कर लेते हैं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की, यहाँ पर 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें, 25 में से एनडीए खाते में 15, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 10 लोकसभा सीट जा सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें, 25 में से 25 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 525 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और 385 लोकसभा सीट के साथ प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। इंडिया अलायंस खाते में 110 सीट, अदर पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। आइए हम बात कर लेते हैं त्रिपुरा राज्य के 2 लोकसभा सीटें, 2 में से एनडीए खाते में 2 की 2 सीटें। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें, 2 में से 1 पर एनडीए, 1 पर एनडीए और 1 पर इंडिया अलायंस यहां पर कब्जा जमा सकता है। बाकी बात कर लेते हैं असम राज्य की 14 लोकसभा सीट है, 14 में से 12 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में सभी 543 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर प्रचंड बहुमत के साथ फिर से नरेंद्र मोदी भारी लहरों के साथ जीत हासिल कर सकते हैं। 400 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी यहां पर अच्छी खासी लीड मार रहे हैं तो इंडी अलायंस का तमें 113 सीट और अदर पार्टी का तमें 30 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय सियाराम। मोदी वर्सेस ऑल, क्या नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे या फिर राहुल गांधी और उनकी पार्टी यानी कि ऑल पार्टी यहां पर नरेंद्र मोदी को मात देगी? क्या इंडिया गठबंधन यहां पर अपना दमखम दिखा पाएगा? जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोदी वर्सेस ऑल। जी हां दोस्तों, लोकसभा के चुनाव के लिए कुछ ही समय का वक्त बचा है और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए गठबंधन के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरी तैयारियों पर जुट चुके हैं। राम मंदिर से लेकर गरीब को घर देना तक किसान सम्मान निधि और घर घर अनाज की सुविधा उपलब्ध कराकर क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या फिर यहाँ पर इस बार 2024 के चुनाव में पटकनी खा जाएंगे? आइए आज हम बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों पर किसकी जीत होने वाली है मोदी वर्सेस ऑल। मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है, 29 में से यहाँ पर 26 लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन और 3 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं नागालैंड की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से अभी तक 30 यानी कि 30 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल में देखा जाए तो यहां पर 27 सीटों के साथ एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आइए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में क्या रहने वाला है हाल। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट में से यहाँ पर सभी 4 सीटों पर एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आइए बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से 34 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और इन ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर 31 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आइए बात कर लेते हैं
गोवा राज्य की दो लोकसभा सीट है, दोनों में से दो लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन में जीरो, अदर पार्टी का तमें जीरो जीरो सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आइए बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से 37 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 34 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन का तमें तीन सीटें, अदर पार्टी का तमें जीरो जीरो सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। आइए बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में जीरो, अदर पार्टी खाते में जीरो जीरो सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अदर पार्टी खाते में जीरो जीरो सीट। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है, 7 में से एनडीए खाते में सभी 7 की 7 लोकसभा सीट है, अदर पार्टी खाते में जीरो जीरो सीट जाने की संभावनाएं संभवत बनी हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी खाते में जीरो जीरो सीट। आइए बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों में से 45 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 42 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 3 लोकसभा सीट, अदर पार्टी खाते में जीरो जीरो सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आइए बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की 6 लोकसभा सीटें, 6 में से 3 पर एनडीए, 3 पर ही इंडिया गठबंधन, अदर पार्टी खाते में जीरो जीरो सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आइए बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से 51 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और यहां पर 45 लोकसभा सीट के साथ एनडीए की भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है 6 सीट पर इंडिया गठबंधन, अदर पार्टी खाते में जीरो जीरो सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आइए बात कर लेते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य में 20 लोकसभा सीट है, 20 में से 0 पर एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 18, अदर पार्टी खाते में 2 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आइए बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की। जी हां दोस्तों, तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट आती है, 17 में से यहां पर एनडीए खाते में 10 सीटें, 5 सीट पर इंडिया गठबंधन, अदर पार्टी खाते में 2 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। आइए बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों में से 88 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इन ओपिनियन पोल में एनडीए खाते में 55 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 29 सीटें, अदर पार्टी खाते में 4 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर कब्जा हो सकता है एनडीए का, इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट है, 11 में से एनडीए खाते में सभी 11 की 11 लोकसभा सीटें जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। और बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से 100 लोकसभा सीट का यानी कि 100 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और यहां पर ओपिनियन पोल में 67 सीट यानी कि 67 सीट पर एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी और इंडिया गठबंधन खाते में 29 सीट, अदर पार्टी खाते में 4 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। आइए बात कर लेते हैं गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीटें और 26 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी का कब्जा होने की संभावनाएं दिखाई जा रही है इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो। आइए बात कर लेते हैं अगले ओपिनियन पोल के बारे में, क्या कहती है भारत की जनता, देश के मूड में इस बार कौन सी पार्टी जम रही है। इसी वक्त के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से 126 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इन ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 93 सीट यानी कि 93 सीट के साथ अच्छी खासी लीड मिल रही है, 29 सीट के साथ इंडिया गठबंधन और अदर पार्टी खत्म में 4 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं संभवतः बनी हुई नजर आ रही है। आइए बात कर लेते हैं अगले राज्य के बारे में, पंजाब। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहां पर क्या रहेगा माहौल, तो यहां पर जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो 1 सीट पर एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में यहां पर यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है तो 11 लोकसभा सीटें जीत सकती है, 1 सीट पर शिरोमणि अकाली दल का यहां पर कब्जा हो सकता है, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आइए बात कर लेते हैं मेघालय की। मेघालय में 2 लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। आइए बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीट है, 28 में से 23 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन है नहीं एनडीए गठबंधन, नरेंद्र मोदी यहां पर 3 सीटों पर यानी कि 5 सीटों पर, इंडिया गठबंधन अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। आइए बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों में से 169 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और 119 सीटों के साथ एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी, इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई नजर आ रही है। आइए बात कर लेते हैं
ओडिशा राज्य की 21 लोकसभा सीट और 21 में से 10 पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में, दो अदर पार्टी खाते में 9 लोकसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से 190 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इन ओपिनियन पोल में यहां पर 129 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी 47 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन अदर पार्टी खाते में 14 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई नजर आ रही है। आइए बात कर लेते हैं दमन और दीव की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0 अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है उत्तराखंड की। जी हां दोस्तों, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें, 5 में से भी 5 की 5 लोकसभा सीट पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। और बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट, दोनों ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन 0 अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0 अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की, जी हां दोस्तों, सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट है। 80 में से 70 लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 5 लोकसभा सीट जा सकती है, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 321 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 233 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 74 सीटें, अदर पार्टी खाते में 14 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आइए बात कर लेते हैं झारखंड राज्य की। 14 लोकसभा सीट है, 14 में से 13 पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0 अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीट है, 40 में से 29 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 11 लोकसभा सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई नजर आ रही है। हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीट और 10 में से 8 पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 2 अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीट है, 48 में से 45 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। दादरा नगर हवेली की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0 अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0 अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट है, 25 में से 15 पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0 अदर पार्टी खाते में 10 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट है, 25 में से सभी 25 लोकसभा सीट पर एक तरफा जीत हासिल कर सकती है इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन खाते में 0 अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीट पर कब्जा कर सकती है एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0 अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। मणिपुर की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0 अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है देश में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर। बात कर लेते हैं असम राज्य की। 14 लोकसभा सीट है, 14 में से सभी 14 लोकसभा सीट पर एक तरफा जीत हासिल कर सकते हैं। 14 में से 13 लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में सभी 543 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 543 सीटों में से 400 लोकसभा सीट पर सटीक ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा सीट जीतने हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी 19 सीटों पर, इंडिया गठबंधन अदर पार्टी खाते में 24 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है 2024 में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे लाल बटन दिया उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।